हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेशियन और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करना कहना चाहूँगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें, पेनी स्टॉक्स के ऊपर चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि पैसा खत्म होने में देर नहीं लगेगी चीज़ों में। और क्वालिटी शेयर्स लेंगे तो आपको हो सकता है 10 दिन 5 दिन आपका शेयर नेगेटिव रहे, थोड़ा सा नेगेटिव दिखे आपको अमाउंट, लेकिन धीरे धीरे करते हो रिकवर करेगा और मैक्सिमम 99% कंडीशन में वो रिकवर करेगा ही सही आपका शेयर। अच्छे शेयर लेंगे तो आप तो क्वालिटी में जाएँ और मोनोपोली शेयर्स पकड़ें, अच्छी चीज़ लें जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में उनका ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और किसी भी गलत शेयर के चक्कर में ना पड़े। मेहनत की कमाई है तो उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करें आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या हुआ था, कल हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मिली है, जहाँ पर कल जो हुआ था, कल निफ्टी ने एक रेड ग्रीन कैंडल बनाई थी और परसों की उसकी रेड कैंडल थी, उसको उसने पूरा तरह से कवर कर लिया था वहाँ पर। और कल जो उसका फेड का मीटिंग था, उसका भी मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि 0.75% तक अगर आता है तो मार्केट उसको मान के बैठा हुआ था। अब हुआ क्या कि सेम उस कंडीशन पे आई तो उसको बाहर के यूएस के मार्केट ने, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ने काफ़ी पॉजिटिव लिया, तो इंडिया के मार्केट भी काफ़ी अच्छे से उसमें ग्रोथ में दिखे, तो गैप अप ओपनिंग हुई उसमें। तो उसके बाद आप चार्ट पे देखेंगे कि ये तो पूरा मार्केट दिन भर अच्छे एक ऊपर के मूव में चला। ये मैंने आज का जो पूरा चार्ट बनाया है, 5 मिनट की कैंडल बना रखी है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जिसका लेवल, अब मैं कल के लिए बताता हूँ आपको, कल का जो अगर पहला लेवल आता है इसमें यहाँ पे 16867 के आसपास, 2-5 रुपये ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा यहाँ पे, तो इस लेवल के अगर नीचे कैंडल बनती है रेड कैंडल तो आप इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर लेवल आएगा यहाँ पे 16743 के वहाँ पे, तो आप ये 2 लेवल नोट कर लीजिए यहाँ के निफ्टी के लिए कल के लिए। तो इसमें अगर आपको यहाँ पे रेंज मिलती है तब आप ध्यान रखिएगा। आज भी यूएस में मीटिंग है, वहाँ पे GDP डेटा आएगा वहाँ का, तो उसका है अभी के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव के अकॉर्डिंग तो निफ्टी का 17,000 के ऊपर खुलने के चांसेज हैं। तो अब मॉर्निंग में देखते हैं निफ्टी में क्या होता है यूएस की फेड मीटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।